Hello dear students, how are you? Today in class 6 GK, we will start from chapter 1st. So our first chapter, Know Me Better, Mujhe Acche Se Jano. India's beauty attracts lakh of foreigner every year. जो भारत की जो सुंदरता है वो लाखों विदेशियों को अपनी तरफ आकर्षित करती है. Who visit our enchanting मदरलैंड, एंड चैटिंग मदरलैंड होती है जादुई मातृभूमि. तो हाँ, जो हमारी जादुई मातृभूमि पर आते हैं ओनली टू गेट मैसमराइज्ड बाय इट्स ब्यूटी, इसकी सुंदरता की तरफ आकर्षित होकर हर साल यहाँ पर लाखों विदेशी आते हैं. फिलिंग द ब्लैंक्स, अब हमें ब्लैंक है उनको फिल करना है. एंड लर्न सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट इंडिया, और इंडिया के बारे में जो फैक्ट है, महत्वपूर्ण जो तथ्य है उनको, फैक्ट है उनको जानना है. फर्स्ट फैक्ट इज इंडिया लाइज इन द ब्लैंक हेमिस्फीयर, जो इंडिया है वो किस हेमिस्फीयर में लाई करता है, किस गोलार्ध में. आंसर इज इंडिया लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जो इंडिया है वो उत्तरी गोलार्ध में लाई करता है. सेकेंड इज सेकेंड फैक्ट इंडिया इज द ब्लैंक लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया, जो भारत है उसका वो ज्योग्राफिकल एरिया से उसका कौन सा विश्व में कौन सा स्थान है. तो आंसर इंडिया इज द सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया, जो भारत है उसका विश्व में ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से उसका विश्व में सातवां स्थान है, सातवीं सबसे बड़ी कंट्री है. फैक्ट नंबर थर्ड, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्लैंक डेजर्ट, जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है भारत का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है उसको क्या कहा जाता है. तो आंसर इज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट इज ऑल्सो कॉल्ड थार डेजर्ट, जो भारत का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है उसको थार मरुस्थल कहा जाता है. फैक्ट नंबर फोर, मौसमग्राम इन मेघालय, जो मेघालय में जो मौसमग्राम है उसको रिसीव द हैवीएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड, वो सबसे ज़्यादा बारिश, जो विश्व की सबसे ज़्यादा बारिश है वो मौसम मेघालय के मौसमग्राम में होती है. फैक्ट नंबर फिफ्थ, ब्लैंक इज द स्टेट विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन, जो भारत का कौन सा राज्य है जिसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है. तो आंसर इज उत्तर प्रदेश इज द हाईएस्ट स्टेट विद हाईएस्ट इज द स्टेट विद द हाईएस्ट पॉप, जो उत्तर प्रदेश है उसकी जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा है भारत में. फैक्ट नंबर सिक्स, द स्टेट ऑफ ब्लैंक हैज़ द लोवेस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया, भारत का कौन सा राज्य है जिसके जो साक्षरता दर है वो सबसे कम है. द आंसर इज द स्टेट ऑफ बिहार, जो बिहार जो राज्य है उसकी जो साक्षरता दर है वो लिटरेसी रेट है वो सबसे कम है. फैक्ट नंबर सेवन, मुंबई एंड गोवा आर ब्लैंक हार्बर, जो मुंबई और गोवा है वो किस तरह के बंदरगाह है. तो मुंबई एंड जो गोवा है वो नेचुरल हार्बर है, वो प्राकृतिक बंदरगाह है. फैक्ट नंबर एट, ब्लैंक इज द डीपेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया, जो सबसे जो गहरा है भारत का सबसे जो गहरा है गहरा जो बंदरगाह है वो कौन सा है. तो कृष्णापट्टनम इज द डीपेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया, जो कृष्णापट्टनम का जो पोर्ट है वो सबसे गहरा पोर्ट है. क्वेश्चन नंबर फैक्ट नंबर नाइन, द स्टेट ऑफ ब्लैंक हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया, जो कौन सा जो राज्य है उसकी जो लिटरेसी रेट है जो साक्षरता दर है वो सबसे ज़्यादा है. स्टेट ऑफ केरला, जो केरला का जो स्टेट है उसकी जो लिटरेसी रेट है वो सबसे ज़्यादा है, जो साक्षरता दर है केरला की सबसे ज़्यादा है. फैक्ट नंबर टेन, द गल्फ ऑफ मन्नार, जो मन्नार की जो खाड़ी एंड द पाल्क स्ट्रेट वो है एक चैनल है जो साउथ ईस्ट जो दक्षिण पूर्व का जो भारत है और जो नॉर्थ श्रीलंका है उत्तर का जो श्रीलंका है उसको अलग करता है. तो
के बीच में जो बीच का चैनल, सॉरी, तो जो मन्नार की जो खाड़ी है, जो पार्क स्ट्रेट है, सेपरेट इंडिया फ्रॉम ब्लैंक, जो मन्नार की खाड़ी और जो चैनल है पार्क स्ट्रेट, वो इंडिया को किससे अलग करता है? श्रीलंका से।